तन तन सतगुरु भगवान दा साहेब आप जी दी सदा, तन तन सतगुरु सेवा राम साहेब, तन तन साहिब संत माता जी आप जी नु कोट कोट नमस्कार। तुझे आगे अरदास मारी ज्यो पिंड सब तेरा को नानक, सब तेरी वडियाई कोई ना न जाने मेरा, आदि काजी चिमर के गुरु नानक ले जाए। फिर अंगते गुरु महाराज रामदास हो अर्जन हर गोविंद सिमरों सीरिया लाए, सीरिया किचन ते आइए जिद छे सतुख जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए कानों निदावे ताए, दसम पातशाह श्री गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी पुत्र वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए जिन्हें धर्म का मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी जिन्हें नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी जिन जम तो याद छदाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी जिन चरणी याद गाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी जो अंग संग होए साहे। निमाणिया दे मान सतगुरु, नीतान्या दे तान सतगुरु, नियो ज्ञान दियो चुनिया सिंह के आसरा, निर्लज्ञा दी लज निपत्या दी पत, गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी आप दी अजूरी संगता कतर होके आप दे चर कमलचा दास बेनती जोड़ियां कर रही हैं। पातशाह कीता लूड़िए कम सोहर प्या किए, कारे जे सुहा सतगुर सचता किए, संतान संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए, नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे मां वाक अनुसार आप जी जी ओट आसरा लैक, आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध वाणी पढ़न दा बल बख्शना, जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे ये आप जान संगतां दे हिरदे चोर सामने बख्शे ते रामता करनी। आप जा आप इन संगतां नूं आप उठा उच्चा बख्श के आपने दस दरबार दी हाजरियां बख्शनी। आप जा बख्शे के ना विछड़ी ना विछाली, ना भुली ते ना भुलावी, चन्नां दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना, दोनों कदम चने बख्शना, स्वास स्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूह साहिब दे सचन सचखंड दरबार दियाँ हाजरियाँ बख्शियाँ, बख्शे ते रहमतां करनियाँ सरबत संगत दे पातशाह जी अरदास बेनती है। पातशाह तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तू त्या ही बख्शिश करनी। आप जी जी हुक्म अनुसार चार पैर सुखली उचित हुई है, दिन चलिया पातशाह जी आप जी का कोट कोट शुकराना, अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत मेरे दी, बाकी दा दिन सुखदा बताना। सही सजन मेरे ने जिन्ना मेरिया उच्चा सुचा नाम चेता वे, श्री गुरु नानक नाम चल जी कला, तेरे पानी चल बच का पला। जिन्ने तुद नो तन के हा तिन जम नेड़ नाया,
तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया तुधनो तन केहा तिन जम नेड़ नाया तारे अजहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया
ने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ तारे जहान ले आया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपोते निरवैर है मेरे सतगुर सेवा राम जी सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाय सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाय साहिब संत माता जी ने किया है कमाल सारियानु इकट्ठा करके रखिया है समाल नाम जप दे नाम जपांदे एह इनादा कारोबार तन तन श्री गुरु नानक जावा चरना तो पर तन तन छेवे पाछा जावा चरना तो बलिहार तन तन साहिब संत माता जी आप जी दे चरना तो बलिहार सत संत कोट कोट नमस्कार दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ होवे सिपत खसम दे नूर अरसों पुरसों चटिए तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुर फुरमाया क्यों एदो बोलो हटिए तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सचे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सचे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सचे पातशाह जी साखी दास बाबा ठंडा खुई वाले दी दास बाबा अटक पार जिला मरदान दे एक पिंड ठंडा खुई दा रहन वाला सी ते ए गुरसिख हर पूरन माशी नू श्री सतगुरु भगवान दास जी दे दर्शन करन लई कैमलपुर आउंदा सी इस वार जद ए जहांगीरे स्टेशन ते पुजा ता मनेरी स्वाबी ते जेदे दियां संगतां नाल इस दा मिलाप हो गया सारे गुरपाई गड्डी ते आउन तक
स्टेशन ते बैठे गुरु घर दियां वार्तावां करदे रहे। गल्लां विच एक सिख ने दास बाबा जी नूं पुछया, बाबा जी तुहाडा सतगुरां नाल पहली बार मिलाप किस तरह होया? दास बाबा जी ने जवाब दिता, श्री सतगुरु जी दे एक प्यारे भगत भाई हरनाम सिंह मरदान दे नेड़े असोटे पिंड वाले एक दिन मैनू मेरे पिंड ठंडा खूह विच मिले। गुरु दे सिख बनन बारे गल्लां होईयां, उन्हां ही मैनू प्रेरणा दित्ती कि मैनू गुरु धारण करना चाहिदा है। उन्हां दी गल सुन के मैनू जापिया, जिवें मेरे पुरबले कर्मां दे अंकुर दे फुलण दा समा आ गया है। मेरा मन कहन लगा कि वेला ना खुंजा ते सतगुरां दे चरणां विच पहुँच के बख्शिश प्राप्त कर। अच्छा, उस सिख ने हुंगारे वजों किया। फिर मैं भाई हरनाम सिंह जी नूं बेनती कीती कि मैनू अपने सतगुरां दे दर्शन करवाउण दी खेचल करो। तद भाई हरनाम सिंह ने मैनू उदों पुछया सी कि मैं कम की करदा हाँ। फिर उस सिख ने अगाहां साखी सुनन वास्ते गया। मेरे मुँहों सच निकलिया ते मैं भाई हरनाम सिंह नूं दस्या कि जिनस सौदा दे लैण देण दा मेरा काम है, पर जिनस लैण ते देण वाले वेले मैं तोल अपनी मर्जी दा करदा हाँ, पर जिनस लैण ते देण वेले मैं तोल अपनी मर्जी दा करदा हाँ। अपनी गल नूं अगाहां तोड़दियां दास बाबा ने कहा, मेरी गल सुन के भाई हरनाम सिंह मैनू सतगुरां दे चरणां विच लै गया अते बेनती कीती, सच्चे पातशाह जीओ अपनी बख्शिश करके दास बाबा नूं चरनी लाओ। गुरु जी ने रहणियां दी सोझी कराई, जिन्हां विच पराए तन दा त्याग भी एक रहणी सी। अपने कारोबार बारे दसदियां होया बेनती कीती, सच्चे पातशाह मैं तां पराए तन नूं दोही हथीं लुटदा हाँ अते तुहाडी हजूरी विच ते झूठ नहीं बोल सकदा, इसलिए आप जी दे हुक्म नूं सुन के इस झूठ दे व्यापार नूं अगों नहीं करांगा। दास बाबा दी गल सुन के साहिब जी खुशी दे घर विच आए ते भाई हरनाम सिंह नूं हुक्म कीता, आउंदी पूरनमाशी नूं इस नूं फिर लै के आउणा। अगली पूरनमाशी नूं भाई हरनाम सिंह मैनू श्री सतगुरु भगवान दास जी दे द्वारे ते लै गए। सारा वृतांत सुनाया, बेनती कीती, सतगुरां ने बख्शिश दे घर विच आ के मैनू नाम दान दिता, जिस पिछों मेरा सारा जीवन भाई बिधि चंद दे जीवन वांगू बदल गया। दास बाबा जी दी ए साखी सुन के संगतां ने उसनू नमस्कार कीती अते उन्हां विचों
एक सिख ने कहा, तुसी तां वडभागे हो जिन्हां ते सतगुरां दी अपार किरपा है। कुछ देर बाद स्टेशन ते गड्डी आ गई, संतां उस विच बह गईयां अते कैमलपुर आ पुजियां। जद संतां साहिबां दे द्वारे ते पहुंचियां तां सतगुरु जी बाहर दरवाजे ते खड़े सन। संतां ने उन्हां दे चरणां ते मत्था टेकिया। उस वेले संतां नूं सतगुरां हुक्म कीता, सामान रख के पहलां लंगर छक लो। जद संतां लंगर छकण लई पंगत विच बह गईयां तां श्री सतगुरु जी भी उन्हां दे सामणे बह गए। संतां ने लंगर छकिया। अपने आउण तों पहलां ही लंगर वेख के संतां ने कहा, साडे सतगुरु जी जाणी जाण हन, अंतरयामी हन, जो साडे आउण तों पहलां ही लंगर तैयार करवा रख्या है। रात नूं गुरद्वारे विच कीर्तन होया, बाहरों भी रागी सिंह आए हुए सन। संतां ने बड़े प्रेम नाल इन्हां रागी सिंघां तों कीर्तन सुनिया, रात नूं आराम कीता। अमृत वेले उठ के संगत जब्बी साहिब गई। दुख पंजनी साहिब ते इशनान करके सिमरन लई बैठ गए। जद वर्तन कर चुके तां अरदास कीती। फिर जद सतगुरु जी संगतां सहित गुरुद्वारे वापस आए तां रागी सिंघां ने यह शब्द पढ़िया, सतगुर पास बेनंतिया मिले नाम आधारा, तुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा, भगतां की टेक तू संतां की ओट तू सच्चा सिरजन हारा रहाओ, सच तेरी सामग्री सच तेरा दरबारा, सच तेरे खाजीनिया सच तेरा पासारा, तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दरसारा, हाँ कुर्बानी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा, सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपारा, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरणा को बलिहारा। जद रागी सिंह इस शब्द का कीर्तन कर चुके तां आसा दी वार दा अखीरला छक्का श्लोक ते पौड़ी पढ़ के भोग पाया गया। उस तों बाद श्री सतगुरु भगवान दास जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे इस शब्द दी कथा कीती। तनासरी बाणी भगत नामदेव जी की, गहरी करके नीव खुदाई, ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाई, जिन तृण तर मूंड बलाए हमरो करता राम सनेही, काहे रे नर गर्भ करत हो बिनस जाए चूठी देही रहाओ, मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से पाई,
बारह जो जन छत्र चले था, देही गिरज ना खाई। सर्ब सोयन की लंका होती, रावण से अधिकाई। कहाँ भयो दर बांधे हाथी, फिन मैं पई पराई। दुर्बासा स्यों करत ठगौरी, जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देओ हर गुण गाए। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने दसिया, एक बार नामदेव जी परिवार सहित तीर्थ यात्रा ते चले गए। उन्हां दे पिछों एक शाहूकार गुआंडी ने अपना मकान बनाउणा सी। मिस्त्री ने सलाह दिती कि जे ये छपरी वाली जगह भी मिल जाए ता मकान चंगा बन जाएगा। शाहूकार नू धन दा अभिमान सी कि ये गरीब मेरा की कर लेगा, जेकर बहुत करेगा तो जमीन दी कीमत ले लेगा, होर की करेगा। ये गल सोच के उस शाहूकार ने मजदूरां नू हुक्म दे दिता कि इस छपरी नू ढा के ये जगह साफ कर दिओ। मजदूरां ने कईयां लै के झटपट छपरी ढा दिती। जमीन साफ करके अपनी जमीन नाल रला दिती। उस जगह ते रलन करके शाहूकार दा मकान बड़ा चंगा बन गया अते वो उस विच रहन लगा। कुछ समय बाद जद नामदेव जी यात्रा तो वापस आए ता उन्हां देखिया कि उन्हां दी छपरी नहीं है अते उस जगह ते एक आलीशान मकान बनया होया है। उन्हां दे पुछण ते एक आदमी ने दसिया, तेरी छपरी तोड़ के इस शाहूकार ने अपनी जमीन विच वो जमीन भी मिला ली है। लोकां तो ये सुन के शाहूकार पास जाके नामदेव जी ने किया, हे भाई, तू इस निखत जीवन पिछों इतनी डूंगी नी खुटवाई है ते ऊपर कंधा उसार के महल बनवाया है। ए दस, मारकंडे ऋषि नालों तू केड़ा वड्डी उम्र वाला होवेगा, जिसने सिर ते कख रख के अपनी इतनी वड्डी आरजा कखा दी छपरी विच भी गुजार दिती सी। ए सुन के उस शाहूकार नू बड़ा गुस्सा आया अते रौब पा के किया, तू जिस हमायत मित्र नू बुलाना है बुला लिया अते बहुत या गल्ला ना कर, मैं सब नू देख लवांगा। नामदेव जी ने किया, मेरा स्नेही प्यारा मित्र ता राम है, जो इस सारे संसार दा करता है। उस तो बिना होर कौन है? हे पुरखा, तू किस वास्ते इतना अहंकार करता है? तेरी ये झूठी देही नाश हो जाएगी। कैरो दुर्योधन दे 100 प्रासन, सारे ही कैरो मेरी मेरी करदे सन, मेरी मेरी कर करदे मर खप गए। जिन्हां दा छत्तर 12 योजना तक चुलदा सी, जदों उन्हां दी सवारी निकलदी सी, पर मरण तो बाद गिरजा ने भी उन्हां दियां दहियां नूं ना खादा।
ये प्रसंग महाभारत विचों कथन कीता गया है। जिस वक्त भीष्म पितामह मूर्छत होके तीरां दी सेज ते पए सन, ते जद कुछ सूरत आई तां दुर्योधन नू याद कीता, जो 12 योजन 48 कोहो दे फासले ते बैठा होया सी। उस वक्त तूपदा बहुत जोर सी। दुर्योधन ने हुक्म दे के हर सैनिक दे हाथ विच एक एक छतर पकड़ा दिता। सैनिकां ने 48 कोहां ते छतरां दी छां कर दिती अते दुर्योधन उन्हां दी छां हेठां भीष्म पितामह दे पास पुज गया। यही गल इत्थे उदाहरण वजों लिखी गई है। उसदी मृतक देह गिरजा ने भी नहीं खादी। ये नियम है जो हंकारी पुरुष पापात्मा होंदा है, उसदी देही कुत्तियां वांग रुलदी है अते कुत्ते गिरजा आदिक कोई भी उसनू खांदे नहीं, क्योंकि उसने सभा विच द्रौपदी नू नगन करन दा हुक्म कीता सी। सभा विच नारी नू नगन करन दा जो कम है ओ महापाप है। इतिहास विच जिक्र आउंदा है कि महाभारत दी लड़ाई विच भीम ने दुर्योधन ते पट दे दो टुकड़े कर दिते। उस दी देह नू कुत्तियां अते गिरजा ने भी पापी अते हंकारी समझ के नहीं खादा। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने स्पष्ट कीता कि नामदेव जी उस शाहूकार नू आख रहे हन कि जे तन नाल परमेश्वर दी प्राप्ति होंदी तां ओ रावण नू ही प्राप्त होंदी, जिस दी सारी लंका सोने दी सी। पाव ए है कि ओ बहुत वड्डा धनी सी, ऐसे रावण तो भी होर अधिक वैभव वाला कोई होर होना है। की होया जो रावण ने अपने दरवाजे ते हाथी कोड़े बन ले सन, पर रावण दी सारी वैभव एक खिन विच पराई हो गई सी, क्योंकि रावण नू मार के लंका दी बादशाही श्री रामचंद्र जी ने विभीषण नू दे दिती सी। ए गल सुन के उस शाहूकार ने कई तरह दे हासे ठाठे कीते। तां नामदेव जी ने किया, हे भाई, दुर्भाषा ऋषि नाल मशकरी करन नाल जादुआ ने ए फल पाया जो अपनी सारी वंश दा नाश करवा लिया। भगत नामदेव जी ने होर किया, मैनू अपना सेवक जान के प्रभु ने मेरे ते बड़ी कृपा कीती है, जो मैनू हर दे गुण गायन करन दा मौका दिता है। जद सतगुरां इस शब्द दी कथा दा पोग पाया तां अरदासा सोधिया गया, संगत विच कड़ा प्रसाद वंडिया गया। तां दास बाबा ने अगहां वध के श्री सतगुरु जी दे चरणा ते मत्था टेकिया अते सदा वांग ए पंक्तियां पढ़िया। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो ता हर कै द्वार,
मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। कबीर मोहे मरने का चाओ है मरो तहर के द्वार। मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। ये जदों भी आउंदा अपने मन दे पाओ भावनावां इस पंक्ति राही ही प्रगट करदा। इस तो उपरंत जिन्हां नाम नहीं सी लिया होया उन्हां नूं रहणियां दस के सतगुरु जी ने नामदान बख्शिया अते लंगर छक के संगतां आपो अपने घरां नूं गईयां। दास बाबा ने साहिबां तों आग्या मंगी अते वापस जाण तों पहलां फिर ये पंक्तियां पढ़ियां। कबीर मोहे मरने का चाओ है मरो ताहर के द्वार। मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। ता सतगुरु जी चुप कर गए। इन्होंने मत्था टेक पिंड वल चाले पाए। जद अगली पूर्णमासी ते ये वापस जाण समय कैमलपुर स्टेशन ते जा रहे सन, रेल दी पटरी पार करन लगे ता उस वक्त एक इंजन शंटिंग कर रहा सी। आप उच्चा सुनदे सन अते उना दा ध्यान सतगुरां दे चरणां नाल जुड़िया होया सी। इंजन शंट करदा दास बाबे नाल टकरा गया। उसने उसी जगह ते ही प्राण त्याग दिते। जद सतगुरां नूं आके किसे ने खबर दिती ता पुलिस दे पंचनामे तो उपरंत दास बाबा दे पार्थक शरीर नूं साहिबां दे हुक्म अनुसार साहिबां दे डेरे ते लियांदा गया। पूर्णमासी होण करके शहर दियां अते बाहरों आईयां संगतां मौजूद सन। दास बाबा दी देह नूं इशनान करवा के नवा पोशाका पाया गया, नवा पोशाका पुआया गया, अर्थी नूं चुकिया गया अते शमशान वल चाले पाए। सतगुरु जी भी अर्थी नाल सन। शब्द कीर्तन हो रहा सी। जद शमशान ते पुजे ता चिता तैयार करके दास बाबा दे पार्थक शरीर नूं ऊपर रख के अरदास करके चिता नूं अग्नि भेट कीता गया। पिछों भी काफ़ी देर तक शमशान भूमि विच शब्द कीर्तन होंदा रहा। इस तरह श्री सतगुरु भगवान दास जी ने दास बाबा दी मनोकामना कभी मोहे मरने का चाओ है मरो ताहर के द्वार। मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। पूरी की थी क्योंकि वो बाबा कबीर दे शब्दा राही परोख रूप गुप्त विच कैमलपुर ही अपनी देह दे त्याग दी अरदास करदे रहंदे सन। सो हुण उन्हां दी आत्मा परमात्मा विच लीन हो गई। श्री सतगुरु जी ने हुक्म कीता संगतां सवेरे गुरुद्वारे पुज जाण। दास बाबा जी दे नमित श्री अखंड पाठ साहिब जी दी आरंभता कीती जाएगी। अगले दिन जद श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होया तां उसदा परिवार भी आ पुजा।
तीजे दिन भोग पिया तां संगतां नाल गुरुद्वारा भर गया। उस वेले वरत चुके पाणे नाल संबंधित शब्द पढ़दियां वार वार ये पंक्तियां पढ़िया गई। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सची दरगह जाए सचा पिड़ मलिया। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सची दरगह जाए सचा पिड़ मलिया। कीर्तन दा भोग पिया, अरदासा सोधिया गया, जिस विच परिवार दी सुख शांति लई अते दास बाबा दी आत्मक कल्याणता लई अरदास कीती गई। प्रसाद वंडिया गया अते संगतां आपो अपने घरां नूं गईआं। कीर्तन दा भोग पिया, अरदासा सोधिया गया, जिस विच परिवार दी सुख शांति लई अते दास बाबा दी आत्मक कल्याणता लई अरदास कीती गई। प्रसाद वंडिया गया अते संगतां आपो अपने घरां नूं गईआं। साखी पूरी होई एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सचे पातशाह, तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सचे पातशाह जी, तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सचे पातशाह जी, तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सचे पातशाह जी। साखी लाला जीता राम दी। एक दिन लाला जीता राम जी दे मन विच फुरना फुरिया कि मेरे श्री सतगुरु भगवान दास जी आप भगवान दा रूप हन, क्यों ना इन्हां नूं चंवर कीता जाए। ये विचार कर ही रहा सी कि उसनूं नींद आ गई। सुपने विच उसने सतगुरु जी दे दर्शन कीते अते सतगुरां जी नूं बेनती कीती, साहिब जीओ जे आग्या होवे तां मैं आप जी नूं चवर चुलावां। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने ये सुन के लाला जीता राम नूं उपदेश देंदे होए हुक्म कीता, इस घर विच गुपत वरतारा है तो सिमरन कीता कर, गुरबाणी दा पाठ कीता कर, जिस नाल तेरा भला होवे। सवेरे वेले ओ उठिया, इशनान कीता अते गुरुद्वारे गया। अजे गुरु महाराज जी गुरुद्वारे पुजे नहीं सन, इसलिए ओ दरवाजे दे नेड़े ही बैठ गया अते बाहर वल झांकदा रहा। वो बड़ा व्याकुल हो गया क्योंकि अजे तक श्री सतगुरु जी गुरुद्वारे नहीं पुजे सन। पूरी तरह व्याकुल अते बेचैन हो के उसने फिर बार वाल तकिया तो उसनू नज़र आया कि श्री सतगुरु भगवान दास जी अपने कुछ सेवकों सहित आ रहे हैं। उन्होंने दुध जिहा चिट्टा पोशाका पहनिया होया है, उन्होंने गल विच चिट्टी माला है अते श्री सतगुरु जी नो एक सेवक चंवर भी कर रहा है। ये नज़ारा तक के लाला जीता राम दी
खुशी दी हद ना रही अते वो मस्ताना हो गया, दौड़ के सतगुरां दे चरणा ते जा टठा। श्री सतगुरु जी ने उसनु चरणा तो उठाया तां की वेखदा है कि श्री सतगुरु जी दे नाल ना कोई सेवक है ते ना ही कोई चवर कर रहा है। वो हैरान होया, डोर पोर हो गया। श्री सतगुरु जी ने उसनु सावधान कीता ता उस अरज गुजारी, साहिब जीओ तेरिया तू ही जाने मैं मूड दी की समर्था है कि कुछ समझ सका। श्री सतगुरु भगवान दास जी गुरुद्वारे अंदर आके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू मत्था टेक के अपने आसन ते जा बिराजे। आसा दी वार दा कीर्तन बाबा अविनाशी राम, सरदार जसवंत सिंह अते भाई ईश्वर दास कर रहे सन। जब कीर्तन दा भोग पिया तो सतगुरां ने इस शब्द की कथा की थी। भाई गोकल चंद बत्रा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबियां बैठ के शब्द दियाँ तुकां पढ़ दे जांदे अते श्री सतगुरु जी उन्हां तुकां दी व्याख्या करके संगतां नूं उपदेश दे के निहाल कर रहे सन। शब्द ए सी, आसा महला पंजवां पूर रहा सब ठाए, हमारा कसम सोए एक साहिब सिर छत्र दूजा नाहे कोए, ज्यों पावे त्यों राख राखण हारिया तुझ बिन अवर न कोए नदर निहारिया। रहाओ प्रतिपाले प्रभ आप कट कट सारी है, जिस मन उठा आप तिस ना विसारी है, जो किछ करे सो आप आपन पाणिया, भगतां का सहाई जुग जुग जाणिया। जप जप हर का नाम कदे न चूरी है, नानक दरस प्यास लोचा पूरी है। तां संगतां नूं साहिबां ने दस्या कि पंचम पातशाह फुरमाउंदे हन जो सब जगह, पंचम पातशाह फुरमाउंदे हन जो सब जगह व्यापक है ओही साडा मालक है। छत छतर दी न्याई सारिया दे सिर ते एक साहेब परमेश्वर है, उस तो बिना होर कोई दूजा नहीं। हे रखण वालिया जिव तैनू पावे तिवें रख लै, तैथों बिना होर कोई रखण वाला नहीं है। मैं सारे पासे नज़र मार के वेख रहा है, हे प्रभु तू आप ही सब दे दिलां दी सार संभाल करके प्रतपालना करदा है। अजहे प्रभु परमेश्वर नूं जो सब ते मेहर करदा है अते सब नूं सब कुछ पहुँचांदा है, कदी भी विसारना नहीं चाहिदा। जो कुछ भी तू आप करदा है सो अपने पाणे अंदर करदा है, इस गल नूं तां सारे जगत ने जाणिया है कि तू जुगा जुगंतरां विच भगतां दा सहाय होंदा आया है। हे हर जी तेरा नाम जप जप के जीव कदे भी चूरदा नहीं है। श्री गुरु अर्जन देव जी कथन करते हैं
कि मैनू आप जी दे दर्शना दी प्यास है, मेरी भी इच्छा पूरी करो। कथा दा भोग पिया, अरदास होई ते संगत प्रसाद लैके आपो अपने घरां नूं चली गई। तां लाला जीता राम जी भी अपने घर गए, पर घर जाके रोज़ दी तरह हट्टी ते ना गए अते मंजी ते लेट के सोचां विच पै गए। जद घर वालियां रोटी आण के अगे रखी तां कहण लगे भुख नहीं है। घर वालियां समझाया कि अज लाला जी दी तबीयत ठीक नहीं है, तां घर वालियां ने जवैन अते पानी दा गिलास लिया अगे धरिया। लाला जी ने जवैन दा फक्का मार के पानी दा गिलास पी लिया, पर दुकान ते नहीं गए, मंजी ते ही चुप करके पए रहे, किसे नाल भी गल नहीं सी करदे। मन विच विचार करदे रहे जो चमर करन वाला ते होर सेवक कौन सन। फिर रात नूं ठाकर जसवंत सिंह दे घर गए ते उन्हां नूं सारी गल सुनाई। ठाकर जसवंत सिंह ने सुन के आख्या, लाला जी हुण घर जाके आराम करो, सवेरे इस सवाल दा जवाब भाइया गुरमुख सिंह जी तो पुछांगे, वो पहुँच वाले हन, तो सानू दस देंगे। सवेर हुई, गुरुद्वारे गए, रोज़ दे प्रोग्राम अनुसार कीर्तन होया ते कीर्तन तो उपरांत सतगुरु जी कथा करन लगे। शब्द आया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा कबीर जीओ के चौपदे एक तुके, सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म जन्म गवाया, हर का बिलोम न बिलो मेरे पाई, सहज बिलो जैसे तत् ना जाई रहाओ, तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी में शब्द संजोई, हर का बिलोना मन का विचारा, गुर प्रसाद पावे अमृत तारा, कहो कबीर नदर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने दसिया कि भगत कबीर ते प्रसन्न कीता गया, भगत कबीर ते प्रश्न कीता गया कि उस परमेश्वर दा अंत कदे किसे ने पाया है जा नहीं। तां भगत कबीर ने उत्तर दिता, ब्रह्मा दे पुत्रां सनक ते सनंद आदि ने भी उस परमेश्वर दा अंत नहीं पाया। ब्रह्मा जिहड़ा वेदां दा ज्ञाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अते अथर्वेद, उन्हां वेदां नूं पढ़ पढ़ के उसने अपना जन्म गवाया, अर्थात व्यतीत कर लिया है, परंतु परमेश्वर दा अंत नहीं पाया। हे मेरे भाई, हर दे विचार नूं रिड़को, विचार करो अते सहजे सहजे विचार दे नाल नाल हरी नाम दा अभ्यास करो, ता जो तत् वस्तु नाम नाश ना हो जाए, ता जो
तत् वस्तु नाम नाश ना हो जाए, शरीर नो विषयां तो रहत करके चाटी मटकी दा रूप देओ, फिर विच शुद्ध मन दी मधाणी नाल इसनू रिड़को, विचार करो। इस शरीर रूपी मटकी विच कर्मा रूपी दूध पाके गुर उपदेश रूपी जाग संजोवो ते मिला देवो, हर का विलोवना मन का विचारा, पाओ हर दा विलोवना मन करके विचारना है, पाओ सत अते असत दी विचार करनी है, अते ए ही हर दा विलोवना है। एहो जेही मधाणी नाल रिड़कना कीता जाए तां सतगुरु जी दी कृपा नाल नाम रूप अमृत तारा प्राप्त होंदी है। कबीर जी कहंदे हन, मीरा सतगुरु सच्चे पातशाह जे कृपा दृष्टि करे तां राम नाम दे सिमरन विच लंघ के एह जीव संसार समुंदर तो पार उतर जाता है अते परमात्मा विच लीन हो जाता है। तां सतगुरु भगवान दास जी ने संतां नूं दसिया, ओ मालक अनंत है, इस वास्ते ये जीव उसका अंत नहीं पा सकता। तुसी श्री सतगुरु नानक देव जी दे दसे हुए राह ते चलो, किरत धर्म दी करो, वंड छको, नाम जपो अते होरना सोचा विच ना पवो। कथा दा पोग पिया, अरदास होई, संतां प्रसाद लैके वारो वारी सतगुरां दे चरणां ते मत्था टेकिया अते आपो अपने घरां नूं परत गईआं। लाला जीता राम ते कुछ गुरसिख पिछे रह गए सन। लाला जीता राम ने भाइया गुरमुख सिंह नूं अपने मन दी सारी व्यथा सुनाई अते जो नज़ारा अमृत वेले देखिया सी सुना के पूछया, ओ चमर करन वाले कौन सन? भाइया गुरमुख सिंह जी ने आख्या, लाला जी सतगुरां नूं तां कई गुप्त जीव चमर करदे रहिंदे हन। जदों साहिबां ने इह गल सुनी तां भाइया गुरमुख सिंह नूं समझाया, चुप, गुप्त गल्लां गुप्त ही रहणियां चाहीदियां हन। फिर श्री सतगुरु भगवान दास जी ने जीता राम नूं कहा, जीता राम जी अगों लई इस तरह दे विचार मन विच नहीं लियाउणे, सदा नाम जपना ते सिमरन करना। भाइया गुरमुख सिंह ने आख्या, लाला जी सतगुरां नूं तां कई गुप्त जीव चमर करदे रहिंदे हन। जदों साहिबां ने इह गल सुनी तां भाइया गुरमुख सिंह जी नूं समझाया, चुप, गुप्त गल्लां गुप्त ही रहणियां चाहीदियां हन। फिर श्री सतगुरु भगवान दास जी ने जीता राम नूं कहा, जीता राम जी अगों लई इस तरह दे विचार मन विच नहीं लियाउणे, सदा नाम जपना ते सिमरन करना। साखी पूरी हुई, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सचे पातशाह जी, तन तन श्री सतगुरु संगता तन तन श्री सतगुरु नारायण दास
साहिब सचे पातशाह जी, तन तन श्री सतगुरु साधु राम, सचे पातशाह जी। साखी भाई सुखराम दी, सुखराम जिसनों आम तौर पर सुखा कह के बुलाया जाता सी, पिंड सैदू इलाका बुनेर रियासत स्वात दा रहन वाला सी। एक दिन वो अपने कमरे विच राती सुता होया सी, ता अचानक उसकी जाग खुल गई अते उसने एक अद्भुत नज़ारा वेखिया। उसका कमरा एक अलौकिक रोशनी नाल भरपूर सी। इस प्रकाश विच एक चिट्टे दाढ़े वाले महापुरुष कमरे विच खड़े सन। उन्हां दे हाथ विच चिट्टी माला सी अते उस वाल वेख वेख के मुस्कुरा रहे सन। भाई सुखे ने उन्हां महापुरशां तों दोवे हाथ जोड़ के पूछिया, बाबा जी तुसी कौन हो, कित्थों आए हो? फिर उस अपने मंजे तों उठ के बिस्तरे नूं ठीक करके बेनती कीती, मंजे ते बिराजो जी। ओ महापुरुष मंजे ते बैठ गए। तां सुखे ने उन्हां नूं सत्कार सहित नमस्कार करके बेनती कीती, इस तों पहलां मैं तुहाडे कदी दर्शन नहीं कीते, पर अज दर्शन करदिआं ही मन शांत हो गया है। महापुरशां ने दसिया, भाई सुखराम मेरा निवास कैमलपुर शहर विच है, स्टेशन तो बाहर जंगला है, उस तो थोड़ा अगे मेरा निवास स्थान है। मेरा तेरे नल कुछ पुराना लेखा है, उसनों साफ करन लई आउंदी पूर्णमाशी परसों नू तू कैमलपुर आवी, असी तैनू उत्थे मिलांगे। ए आके ओ महापुरुष अलोप हो गए अते कमरे विच पहला दी तरह ही हनेरा हो गया। एक कौतक वेख के सुखराम नू बाद विच नींदर ना आई। उस दियां अखियां मोहरे ओही नज़ारा घूमदा रहा। उस दे नाल वाले कमरे विच उसका पुत्तर ते नूं सुते हुए सन। उत्थे जाके उसने उन्हां दोहां नूं जगाया अते सारी गल नूं सुनाई। उसदे पुत्तर साईं दास ने कहा, लाला जी तुसानू सुपना आया है अते तुसी डर गए लगदे हो, सो इत्थे ही सो जाओ। सुखे ने कहा, मैं बिल्कुल डरिया नहीं हाँ, जिन्हां महापुरशां दे मैं दर्शन कीते हन उन्होंने तो किया है कि परसों पूर्णमाशी है, तुसी साढ़े निवास स्थान ते कैमलपुर आ जाना, इस वास्ते असी कल कैमलपुर चलांगे। सतबचन पिता जी कह के भाई साईं दास ने अपने पिता दे सुझाव नूं मन लिया। दूजे दिन दोवें पिता पुत्तर बस च बह के मरदान पुजे अते उत्थों रेलगड्डी विच बह के
कैमलपुर आए। स्टेशन तो बाहर निकलदे ही उन्होंने एक बंदे तो पूछया, इत्थे एक महापुरुष रहंदे हन, उन्हां दा चिट्टा दाड़ा है, उन्हां बारे कुछ दस सकदे हो? उस बंदे ने जवाब दिता, तुसी मेरे नाल ही चलो, मैं भी उन्हां पास ही जा रहा हाँ। ये दोवें प्यो पुत्र उस आदमी नाल तुर पे। जद साहिबां दे द्वारे ते पुजे तां साहिब जी बाहर ही खलोते हुए सन, दर्शन किते तां सुखा दौड़ पिया अते कहन लगा, ए ओही हन, ए ओही हन। पास पुज के उस साहिबां दे चरणा ते मत्था टेक। ये दोवें प्यो पुत्र उस आदमी नाल तुर पे। जद साहिबां दे द्वारे ते पुजे तां साहिब जी बाहर ही खलोते हुए सन, दर्शन किते तां सुखा दौड़ पिया अते कहन लगा, ए ओही हन, ए ओही हन। पास पुज के उस साहिबां दे चरणा ते मत्था टेकिया। साहिबा ने उसनू तीरज दे के प्यार नाल उठाया। उस गड्डी ते होर भी संगतां आईया सन, उन्होंने भी आके वारो वारी चरणा ते मत्था टेकिया। साहिबा ने संगतां नू हुक्म कीता, जलपान तैयार है, पहला छक लो। संगतां ने जद जलपान कर लिया तां साहिबा ने अपने घर दे बरांडे विच बैठ के संगतां नू इस शब्द दी कथा सुनाई। पई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, सरंग जाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। तां श्री सतगुरु भगवान दास जी ने फरमाया, जो पंचम पातशाह जी हुक्म करदे हन, ये जो मनुखा देही तैनू प्राप्त होई है, परमात्मा नू मिलन दा एक अवसर है, होर सारे काम तेरे किसे काम नहीं आउणगे। सो सात संगत, सो सात संगत नाल मिल बैठ के केवल नाम दा सिमरन कर। हे पाई, संसार रूपी भयंकर समुंदर नू तरन दे प्रबंध विच लग जा। तेरा जन्म माया विच खचित होके बिरथा जा रहा है। श्री सतगुरु जी आप दी, श्री सतगुरु जी अपने आप दी उदाहरण राही प्राणी मात्र नू समझाउंदे हन कि मैं जप तप ते धर्म आदि दी कोई कमाई नहीं कीती अते ना ही मन नू विकारां तो रोकण दा कोई उपराला कीता है, ना ही मैं सतगुरु जी दी सेवा करनी सीखी है, ते ना ही उस नू खुश कीता है। अगे पंजवें नानक जी फुरमांदे हन कि असी नीच कर्मा वाले हाँ, हुण तेरे द्वारे ते आए हाँ, असां शरण आया दी लाज रखो जी। कथा दा पोग पिया ते शहर दी संगत आपो अपने घरां नूं तुर गई। बाहरों आई संगत भी रात दा लंगर छक के
सतगुरु जी की हजूरी भी आ जुड़ी। तो श्री सतगुरु भगवान दास जी जो बैठक विच पलंग ते बैठे सन, सुखराम ने जा चरना ते मथा टेकिया। तो साहिबा ने पूछया, भाई सुखा तू आ गया है? सुखराम ने जवाब दिता, जी आप जी दे हुकम अनुसार मैदू पिंड इलाका बुनेर रियासत स्वात तो आ गया हाँ। तुसा आप ता मेरे कर दर्शन दे के हुकम कीता सी कि मेरा तुआडा कुछ लेखा है, मेरा तुआडा कुछ लेखा है। मैं हुण आप जी दे प्रेरण ते कैमलपुर आया हाँ, ता जो लेखे दा हिसाब हो जाए। सामने बैठी हुई संगत विचों आवाज़ आई, भाई जो तू नज़ारा वेख्या है वो संगत नूं भी सुना दे। संगत दा हुक्म मंदिया सुखराम ने संगत नूं सारा वृतांत कह सुनाया। तां साहिब विस्माद विच हो गए। जब संगतां ने सुखराम तो ये वार्ता सुनी तो सारिया दे मूहों निकलिया, ये पूरे सतगुर हन दोहां जहाना दे मालक। फिर संगतां ने साहिबां नूं अरज़ कीती, जो ये कौन है? तो साहिबां ने फरमाया, साडा इस नाल वचन सी कि असी तैनू उस समय मिलांगे जद असी कैमलपुर निवास करांगे। ये तां भुल गया सी पर सानू अपना वचन याद सी जो असां पूरा कर दिता है। ये कह के साहिबा ने हुक्म कीता, इस तों वध होर कुछ ना पूछना, इस तों वध होर कुछ ना पूछना। फिर साहिबा ने संगत नूं विश्राम करन दा हुक्म कीता। दूजे दिन संगतां सहित श्री सतगुरु भगवान दास जी जब्बी साहिब गए। सतगुरां ते संगत ने इशनान कीता। फिर नाम सिमरन तों बाद संगतां ने टोलकी ते छैणियां नाल कीर्तन कीता। कीर्तन तो उपरंत सतगुरु जी ने हेठ लिखे शब्द दी कथा सुनाई। आसा महला पंजवा, हर हर नाम अमोला, ओ सहज सुहेला रहाओ, संग सहाई छोड़ न जाई, ओहो अगह अतोला, प्रीतम पाई बाप मेरो माई, भगतन का ओला, अलख लखाया गुर ते पाया, नानक एहो हर चोला। तां श्री सतगुरु भगवान दास जी ने इस शब्द की व्याख्या करदिया होया फुरमाया, जो पंचम पातशाह जी कथन करते हैं, हर दा नाम जो अमोलक नाम है उसनू जो जपदा है ओ ही सुहेला अते सुखी होंदा है। अगह अते अडोल जो परमात्मा है ओ प्राणी दे अंग संग हो के सहायता करदा है। अपने दासा नू छड़ के नहीं जांदा, ओ ही मेरा प्यारा प्रीतम भरा पिता अते माता रूप है, भगतां दा सहाई है। अलख रूप परमात्मा गुरां तों लख्या पाओ जाणिया अते पाया है। गुरु जी फुरमाउंदे हन कि ए हरी दा नाम भगतां दा प्यारा चोला है। कथा दा भोग पिया तां सुखराम ने हाथ जोड़ के अरज़ की थी, सच्चे पातशाह जी
नामदान की बख्शिश करो जी। तो साहिबा आख्या सबर कर भाई सुखा। पर भाई सुखराम ने हठ कीती अते बेनती कीती कि हुण मेरे तो सबर नहीं होंदा। उसका हठ वेख के श्री सतगुरु जी ने उसनू रहणियां दसियां अते नाम दी बख्शिश कीती अते नाम दी दात बख्शी। फिर उसके पुत्र साईं दास ने भी साईं दास ते भी यही कृपा कीती। फिर संगतां सहित जब्बी साहिब तो वापस गुरुद्वारे आए। कीर्तन हो रहा सी। जद कीर्तन दा भोग पिया तां संगतां आपो अपने घरां नूं गईयां। बाहरों आईयां संगतां ने लंगर छकिया। फिर सुखराम ते साईं दास ने सतगुरां तो आग्या लैके अपने पिंड नूं चाले पाए। पिंड जाके उन्हां अपने परिवार अते संबंधियां नूं पूरा वृतांत सुनाया। वो सारे भी श्री सतगुरु भगवान दास जी दे सिख होए अते हर पूर्णमासी नूं कैमलपुर आउण लगे। उसका हठ वेख के श्री सतगुरु जी ने उसनू रहणियां दसियां अते नाम दी दात बख्शी। फिर उसके पुत्र साईं दास ते भी यही कृपा कीती। फिर संगतां सहित जब्बी साहिब तो वापस गुरुद्वारे आए। कीर्तन हो रहा सी। जद कीर्तन का भोग पिया तो संगतां आपो अपने घरां नूं गईयां। बाहरों आईयां संगतां ने लंगर छकिया। फिर सुखराम दे साईं दास ने सतगुरां तो आग्या लैके अपने पिंड नूं चाले पाए। पिंड जाके उन्हां अपने परिवार अते संबंधियां नूं पूरा वृतांत सुनाया। उह सारे भी सतगुरु भगवान दास जी दे सिख होए अते हर पूर्णमासी नूं कैमलपुर आउण लगे। साखी पूरी। ने मेरा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अरदास तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा। आतंकार जी सिमरक है गुरु नानक ले त्याए फिरंग टे गुरु अमरदास रामदास के होए सहाए। अर्जन हर गोविंदन सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे जिठे सब दुख जाए। एक बात सिमरिया घर नौ निद आवे ताए साफ ठाणी होना चाहे। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ ठाणी होना चाहे। धन धन साहब श्री ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी चा चंदा मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु चंता साहब जी सतगुरु राम सिंह साहब जी चा नाम दिया वरताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया छड़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाए। धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी
जो अंग संग होता है। अंतरजामी सतगुरु हाजरा हजूरो जारा हजूरो सर्व कला का पूर्णो पाचा जियो। इस वक्त आप बक्के के रहमत कार्यो अमृतों लैके हूँ तक अपने सोने दरबार सजा के सरबत सतंगत नू दर्शन दे के निहाल कार्यो। आप जी का कोटंग कोटंग धन्यवाद है। आप जी दे भाणे अंदर चार पैर आठ सुख और चांता प्रतीत हुई है। आप जी दे भाणे अंदर चार पैर दिन आया है। आप जी नू भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी। असी कल युग जीवां खिन खिन भूलने हारा रोम रोम गुणांगारा ना भुलनी ना भुलावी ना विसरी ना विसारी। ओ काम करवाने जो आप जी नू भावन ओ काम ना कवाने जो आप तो बेमुख हो। अंतर जामी सतगुरु जी आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है। हो मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जियो। अमृतों लैके हूँ तक आप जी दे सोने सतखंड दरबार अंदर दवान सजे हैं। सजे दवान दर जप प्रयोग नू मुख रखते हुए नितनेम वर्णी चैप जी हुए हैं। तारिया जहान लिया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुन्नू धन किया तिन अमनेर न आया। गुरपदेशां दे पाठ होए हैं सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हैं। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जीओ आप जी का जीवन त्रित गुर इतिहास होया है। आनंद साहब छे पौड़ियों के पाठ होए हैं। बाणी पढ़द्या होया नाम जपद्या होया बाणी सुनद्या होया बच्चों सेवकों पासों अनेक प्रकार दिया गलतियां ते व्यक्तियां होणगियां। अनजाण बच्चे समझ के माफ करना अगों तो समर्थ बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्दम उत्साह ते प्यार बखना। आई हुई सबत सतंग दे कार्य राष्ट्र करने कदम लेखे लावने गाव्या सुनिया थाए पाउणा साहिब जीओ। अरदास ते बेनती है आप जी का महान फरमान है सतगुरु आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम अर शोभा चिंता लाए अमारी राह हो। अवर न सूझे दूजी ठायर आर परो तो द्वारे लेखा छोट अलेखा छूटे हम निर्गुण लियो उबारी। सत बख्शें सदा मेहरबाना सबना दे आधारी नानक दास सन पाचै परियो राख गलियो ओ बारी। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई तोई देवे नानक दास मुक्ते जो बोले इया उआ सच होवे। शब्द नू मुख दे पाचा जियो जो जो माई भाई आप जी दे सोने सतखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां करियां सरबत सतंग दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनिया। सरबत सतंगत नू नाम दान इशनान चाह पदार्थ बढ़ के आदियाँ व्याधियाँ उपाधियों तो बचा के चरणा का प्यार बखना। सतंग की सेवा बखनी मन नीवा मत उच्ची बखनी मेहर भरिया हथ टकना सब ते उत्तम हर की कट्ठा नाम सुन दर दुख लत्था शब्द नू मुख दे। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जीओ आप तो आग्ञा लैके आप दे सोने रूप पोती साहब का पातशाह जीओ। अमृत चले प्रकाश होया सी उपरंत आप तो आग्ञा लैके आप जी का जीवन गुरतिहास होया। इस वक्त आप तो आग्ञा लैके पातशाह जीओ आप दे सोने रूप पोती साहब जी का सवारा साहब होएगा। आग्ञा ते प्रवानगी बखनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी नानक नदरी नदर निहाल करके अपनी सेवा आप जानी उपरांत आप अपने निस्थान ते जान दी कृपालता करनी। सर्वत सतंग नू सदा वास्ते पातशाह जियो खुशियां दी दात बखनी मेहर भरिया हाथ चकले सही सज्जन मिलने जिन्ना मिलिया आप जी का सोहना पवित्र
नाम के तावे श्री गुरु नानक के नाम चढ़ी कला तेरे पाने सरबत का भला। ਸਾਚ ਗੁਰ ਸੰਗ ਤੇ ਪਾਏ ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆਇਆ ਬੇਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਡ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆਇਆ ਬੇਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਤੁਡਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਤੁਡਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਡਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਏ ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ ਪੋਨੇ ਲਾਗ ਜਿਨ ਐਸੇ ਬੁੱਝੀਆ ਰਾਖਾ ਏਕ ਅਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੋਏ ਚਿੰਤਾ ਜਾਗੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤਨਤਾ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿਲਾਇਆ ਤਿੰਨ ਬੇਦੀਆਂ ਕੇ ਕੁਲ ਬੇਖਾ ਪ੍ਰਗਟੈ ਨਾਨਕ ਰਾਹੇ ਸਭ ਦੇਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦਿਓ ਜੈ ਤੈ ਪੈਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦਿਓ ਜੈ ਪੈ ਤੈ ਸਾਹੇ ਸਲੋਕ ਰੇ ਮਨ ਤਾਂ ਕੋ ਧਿਆਈਐ ਸਾਬਿਤ ਜਾਂ ਕੈ ਹਾਠ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਸੰਜੀਐ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹਿ ਸਾਠ ਰੇ ਮਨ ਤਾਂ ਕੋ ਧਿਆਈਐ ਸਾਬਿਤ ਜਾਂ ਕੈ ਹਾਠ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਸੰਜੀਐ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹਿ ਸਾਠ ਸੰਤ ਸਾਚਰੀਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਦੂਸਰ ਨਾਹੇ ਕੋਏ ਥਾਨ ਠਨੰਤਰ ਆਪ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਸੋਏ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰ ਰਿਆ ਸਰਬ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਤ ਨਾਈ ਬਿਅੰਤ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕੇ ਕਿਆ ਗਣੀ ਪਦ ਚਰਨ ਸੁਹਾਮੀ ਸੁਖੈ ਕਾਮੀ ਤਿਤ ਬਿਨਾ ਅਨ ਨਾਹੇ ਕੋਏ
बिनवंत नानक दया हतारो तिस परापट नाम में होए पाज तरन सुहामी सुख गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया हतारो तिस परापट नाम ओ हे।